सो हाय ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू आवर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्री इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जो आप कल ट्रेड कर सकते हो, और इन सभी के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस पूरा डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे किस स्टॉक के अंदर आप किस पॉइंट पे एंट्री ले सकते हो, क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट रहेगा, वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सो आइए ट्रेडर शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। डेली यहाँ पे आपको इंट्राडे से रिलेटेड वीडियोस मिल जाते हैं। ओके, साथ ही जिसको भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। डेली मैं यहाँ पे एक से दो इंट्राडे स्टॉक्स ट्रेड कर रहा हूँ जिनमें आप ट्रेड करके बहुत अच्छे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट जो हमारा इंट्राडे स्टॉक रहेगा वो रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, एंड इसके अंदर हमारा क्या एनालिसिस है, क्या लॉजिक है, आइए मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट के ऊपर। सो गाइस, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन एक क्रिएट करा हुआ है स्टॉक ने। यहाँ पे आप देखो ये वाला एक मेजर सपोर्ट पॉइंट है इसके अंदर। यहाँ पे आप देखो बहुत अच्छा ये वाला जो सपोर्ट है मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ था, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन मिली है हमें, एंड यहाँ से हमें मल्टीपल टाइम यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला है। ठीक है, आज का अगर अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट इसके अंदर इसने क्रिएट करा हुआ है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिटेस्ट करा था, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम यहाँ पे आज का क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर यहाँ से ये इस लेवल को ब्रेक करता है अपर साइड में तो डेफिनेटली यहाँ से बाइंग का एक पोजिशन बनेगा। तो बाय करेंगे इसको, 1270 के लेवल पे हम इसको बाय करेंगे, एंड जो टारगेट हमारे रहेंगे 1276 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 1280 का सेकंड टारगेट रहेगा, एंड SL हमारा रहेगा 1264 का। सो गाइस डेफिनेटली इसको हम ट्रेड करेंगे अपर साइड में यहाँ से अगर ये ब्रेक करते हैं अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को। अभी बात करते हैं नेक्स्ट इंट्राडे स्टॉक की। नेक्स्ट जो हमारा इंट्राडे स्टॉक रहेगा वो रहेगा हमारा HDFC बैंक, एंड इसके अंदर भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, या इसको एक अगर रेंज के अंदर कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रहा है इस रेंज के अंदर, एंड ये वाला इसका एक सपोर्ट पॉइंट है, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी इसने क्रिएट करके रखा हुआ है। क्लोजिंग की बात करें तो अच्छा खासा इस सपोर्ट पॉइंट से एक पुल बैक देखने को मिला है आज के सेशन में, एंड क्लोजिंग की बात करें तो आज का जो क्लोजिंग है गाइज यहाँ से तो इस रेजिस्टेंस के नियर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। बाय करेंगे इसको भी, अगर ये वाला एक जो मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है अगर इसके अंदर ब्रेक करता है कल के सेशन में तो डेफिनेटली इसमें बाय करेंगे। सो गाइज यहाँ पे लेवल जो हमारे इस तरह से रहने वाले हैं 1615 के लेवल पे उसको बाय करेंगे। टारगेट हमारे रहेंगे 1620 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 1623 का हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा, एंड जो हमारा SL रहेगा स्टॉप लॉस की बात करें तो 1609 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, अगर ये ब्रेक करता है इस लेवल को डेफिनेटली यहाँ से ट्रेड बनेगा, एंड अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है HDFC के बैंक के अंदर कल के सेशन में। ओके, तो जरूर से ट्रैक करना, फर्स्ट पिक के तौर पे रहेगा मेरा HDFC बैंक। अभी बात करते हैं लास्ट एंड थर्ड इंट्राडे स्टॉक के बारे में। तो गाइस हमारा जो थर्ड इंट्राडे स्टॉक रहेगा टाइटन, एंड इसके अंदर हमारा क्या एनालिसिस है, आइए मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ आपको चार्ट के ऊपर। सो गाइस इस चैनल के अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली इसी चैनल के अंदर ट्रैवल कर रहा था, यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया, एंड ब्रेकडाउन के बाद ये वाला एक मेजर सपोर्ट पॉइंट था इसके अंदर जहाँ से इसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे पुल बैक दिखाया है। अगर हम बात करें अभी क्लोजिंग की तो ये जो एक मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है इसके अंदर इसने क्रिएट करके रखा हुआ है यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी क्रिएट कर रहा है यहाँ पे शॉक। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करता है अपर साइड में तो डेफिनेटली यहाँ से हम बाई करेंगे 2625 के लेवल पे उसको बाय करेंगे, एंड जो टारगेट हमारे रहेंगे 2632 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 2337 का सेकंड टारगेट रहेगा, SL हमारा रहेगा 2617 का। ओके, सो गाइज ये थे थ्री इंट्राडे स्टॉक जिनको हम कल के सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। जरूर से ट्रैक करना टाइटन एंड HDFC बैंक को। ठीक है, सभी स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम दिखा सकते हैं कल के सेशन में, तो जरूर से इन तीनों स्टॉक्स को आप ट्रैक करना। ठीक है, सो यही था आज के वीडियो में थ्री इंट्राडे स्टॉक्स। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।